हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउज यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को आई लैशेज कैसे अप्लाई करते हैं वो बताने वाली हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ प्लकर सॉरी। और मैंने ये आईब्रो सेट कर लिया है, और मैं जो हमारा डेली रूटीन होता है स्किन केयर वो भी मैंने कर लिया है। और ये है मैक ड्यूब्स का आई लैशेज और ब्लू, एंड ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर। तो हमें आईलाइनर पहले यूज़ करना है, उसके बाद ही आईलैशेस यूज़ करना है। तो मैं पहले आईलाइनर यूज़ कर लूँगी। तो अगर आप कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं तो पहले कंसीलर यूज़ कर लीजिए आईज़ पे, क्योंकि अगर हम आई मेकअप करते हैं तो हमें कंसीलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, कंसीलर यूज़ करना ही चाहिए। बट मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं फुल मेकअप नहीं कर रही हूँ, फेस मेकअप, तो मैंने यूज़ नहीं किया है। बस आप लोगों को आईलैशेस कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखा रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले मैं आईलाइनर यूज़ कर ले रही हूँ, अप्लाई कर ले रही हूँ। आपको जैसा भी अप्लाई करना हो आप कर सकते हैं, थीक थीन या विंग दे सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि विंग अप्लाई कर लूँ। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जेल आइलाइनर ही यूज़ करना प्रीफर करती हूँ, बिकॉज़ मुझे वही अच्छे से जमता है यूज़ करना। फिर अब मैं आईलैशेस ले लूँगी, ये नॉर्मल है, कोई हाई रेंज वाला नहीं है। ग्लू भी मुझे इसके साथ में आया था, फिर मैं ग्लू है लगा लूँगी उस पर, और 5 to 10 सेकेंड तक उसको ड्राई करूँगी मैं, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी। ये देखिए, और फिर अप्लाई करने के लिए आपकी आईज़ ऐसे दिखना चाहिए आपको। अगर मिरर की हेल्प से आप करेंगे तो बहुत इजीली लग जाएगा। ये देखो अप्लाई हो जाएगा, और फिर इसको सेट करने के लिए 5 to 10 सेकेंड के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। तब तक हम सेकेंड आईज़ पे भी ऐसे ही ग्लू यूज़ करके अप्लाई कर लेंगे, और क्योंकि वो थोड़ा ड्राई होने के बाद ही अच्छे से वो स्टिक होता है, इसके लिए बाद में ही उसे सेट करना चाहिए, तो इजीली सेट हो जाता है वो। अदरवाइज़ ग्लू ड्राई नहीं होता है तो वो हाथ में भी लगता रहता है, स्टिक होता रहता है हैंड में। ये देखिए ये हो गया है, तो मैं इसे सेट कर रही हूँ। प्रेस कर देना है दोनों साइड में तो बहुत इजीली हो जाता है। ये देखिए अभी भी वो ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है। हो गया, जब ड्राई हो जाता है तो बहुत इजीली स्टिक हो जाता है, उसमें ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ता है। इसका भी ये भी ड्राई हो गया है, ये भी मैंने दोनों साइड से प्रेस कर दिया है। ये देखिए अब 5 मिनट में आप आईलैशेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये ड्राई ही रह गया, तो इसलिए मैं थोड़ा जुगाड़ लगा रही हूँ। और फिर इसके आईलैशेस अप्लाई करने के बाद भी फिर आप उसके ऊपर से आईलाइनर यूज़ कीजिए, ताकि वो और भी अट्रैक्टिव दिखे और आपका जो आईलाइनर है वो उभर कर दिखे, पॉपअप हो। तो आपकी ये देखिए आईज आईलैशेस यूज़ करने के बाद तो आई का जो क्या बोलते हैं, आईज और ब्यूटीफुल और बड़ी दिखने लगती है। और फिर हम अप्लाई कर लेंगे मस्करा। मस्करा भी यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें और भी अच्छा लुक देता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दोनों आईज़ में हम यूज़ कर लेंगे। और मैं काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को आईलैशेस ही अप्लाई करना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और गाइस, आप लोगों को अगर कोई भी मेकअप वीडियो या रिलेटेड वीडियो कुछ भी अगर आपका सजेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं ये आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर से, ताकि एकदम नेचुरल दिखेगा आपका आईलैशेस, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने आईलैशेस यूज़ किया है। उसके ऊपर से अप्लाई करने के बाद तो मैं वैसे ही यूज़ कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी। देखिए थोड़ा सा मैं विंग बना लूँगी,
और भी अच्छा दिखेगा, लुक अच्छा दिखेगा। आप कोई भी आई लैशेज यूज़ कर सकते हैं, 50 to 75 रुपीज़ से लेकर वो अच्छे रेंज तक भी आई लैशेज मिलते हैं। तो ये मेरा 250 में मुझे 3 का पैक मिला था, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, प्लस उसमें ग्लू भी था और प्लकर भी था उसमें 250 में, तो और क्या चाहिए। बट ये जो ऊपर का जो इसका एरिया है ना आई लैशेज का, वो थोड़ा वाइट वाइट दिखता है आइस क्लोज करने पे, तो वो सही नहीं दिखता है। देखो तो एकदम ब्लैकिश, एकदम नेचुरल आई लैशेज लेना है तो आपको अच्छे रेंज में लेना होगा, या तो जो आप लोअर रेंज में भी आप लेते हैं उसको आप अगर मस्करा अच्छे से अप्लाई करेंगे तो भी मस्त दिखता है वो भी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा विंग निकाल लिया है, विंग आईलाइनर भी अप्लाई करना बहुत इजी है। ये देखिए इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो मेरे आई बटन में मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हो गया अप्लाई करके, तो कैसा दिख रहा है, आपकी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम हिरनी जैसी आंखें दिखने लगती हैं हमारी। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कमेंट लाइक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।